Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi. Dear friends, क्या आपने पिछला वीडियो देख लिया है? क्योंकि हमने उसमें first condition deal किया था. और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये sequence में है. ये दूसरी वीडियो second condition पे हम लोग देखेंगे और तीसरी वीडियो third condition में देखेंगे और चौथी वीडियो zero condition पे देखेंगे. तो first condition हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देख लें. फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ये देखा था कि अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे थे. अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. आज हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं. और ये क्या होता है? सेकंड कंडीशन का मतलब होता है पास्ट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, अ लो प्रोबेबिलिटी. यूसेज क्या होगा? यूज टू टॉक अबाउट एन अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशन. नहीं समझ पाए, इसे इस तरह समझें. अनफुलफिल्ड विश की बात हम जब भी करते हैं ना, तो हम लोग उसे सेकंड कंडीशन कहते हैं. और जब कंडीशन की बात करेंगे तो याद रखो, हमेशा ये दो क्लाउज में होगा. एक क्लाउज में कंडीशन कभी नहीं बताता. जैसे मैं जाऊंगा, देयर इज नो कंडीशन. हाँ, अगर बारिश होगी मैं जाऊंगा, नाउ इट इज कंडीशन. कंडीशन हमेशा दो क्लाउज में होता है. यही वजह है कि जब कभी भी हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो पहला फर्स्ट क्लाउज का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इफ प्लस वी टू, दैट इज सिंपल पास्ट. और सेकंड क्लाउज का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा वुड प्लस वी वन. आप देखो ये स्ट्रक्चर आप कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, और अगर ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग क्या होगी, आप कैसे समझेंगे. कम ऑन, आप ऐसा कहते हो ना कि अगर बारिश होती मैं नहीं जाता. कम ऑन, अगर आप कहोगे अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, फ्यूचर की बात करें, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. लेकिन कहोगे अगर बारिश होती मैं नहीं जाता, नो वी आर टू पास्ट अनफुलफिल्ड विश. इसका मतलब बारिश नहीं हुई और मैं नहीं गया. अगर मुझे मालूम होता मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं हुआ और मैंने तुम पर विश्वास कर लिया. आर यू गेटिंग? इस तरह के सेंटेंस हम हजारों सेंटेंस बोलते हैं और ये बहुत ही लाइवली स्ट्रक्चर है. तो जब कभी भी यूज करेंगे तो पहला जो कंडीशन जो होगा वो वी टू में होगा, यानी सिंपल पास्ट में, और दूसरा जो क्लाउज होगा वो वुड प्लस वी वन होगा. जैसे अगर मुझे मालूम होता मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, इफ आई न्यू आई वुड नॉट रिलाई ऑन यू. विश्वास करने की जो इंग्लिश है वो है rely on, count on, bank on या upon, confide in. ये सारे वर्ड है, rely on, count on, bank on या upon, confide in. सब का मतलब है विश्वास करना. ट्रस्ट और बिलीव तो आप ये दो वर्ड जानते हैं, इसलिए मैंने डेलिब्रेटली वो दो वर्ड नहीं लिखे, क्योंकि ये खूबसूरत वर्ड है. rely, count on, bank on, confide in. सो दीज आर द ब्यूटिफुल. कहते हैं आई डोंट हैव anybody whom आई could confide in. कोई नहीं है जिसपे मैं विश्वास कर पाऊँ. यकीन करना, विश्वास करना, इज अ ब्यूटिफुल वर्ड. तो आप कहते हो अगर मुझे मालूम होता मैं उस पर विश्वास नहीं करता, इफ आई न्यू आई वुड नॉट rely on him. अगर कोहली आउट नहीं होता इंडिया मैच जीत जाता. अब देखो ये नेगेटिव हो गया, और आपको पता है जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव में वी टू, और नेगेटिव की बात करेंगे तो डिड नॉट. एंड वन मोर थिंग, जोन ऑफ कॉशन यू मस्ट कीप इन माइंड एंड नोट डाउन कि डू डज डिड जब कभी भी सेंटेंस में आ जाता है उसके बाद वर्ब हमेशा अपने पहले फॉर्म में होगा. अगर कोहली आउट नहीं होता, इफ कोहली डिड नॉट गेट आउट, इंडिया वुड विन द मैच. अगर तुम वक्त पर आते हम लोग बाहर जाते. इफ यू केम ऑन टाइम वी वुड गो आउट. आप देख रहे हैं कैसे होता है अनफुलफिल्ड विश, यानी वो उसकी बात करें जो हुआ ही नहीं और चाहते हैं काश ऐसा होता. आई विश ऐसा, काश ऐसा होता. आप कहते हो ना कि अगर तुम मुझे पहले बताते मैं तुम्हारी मदद करता. इफ यू टोल्ड मी अर्लियर I would help you. तो ये second condition में अगर condition है तो वी टू, और दूसरे क्लाउज में would plus वी वन. और अगर negative होगा ना तो did not plus वी वन. Do does did के बाद हमेशा verb
अपने पहले फॉर्म में आ जाता है और वुड प्लस वी वन. अगर तुम प्रैक्टिस करते अंग्रेजी बोलते, इफ़ यू प्रैक्टिस्ड यू वुड स्पीक इंग्लिश. अगर तुम मेरी मदद करते मैं कामयाब हो जाता. इफ़ यू हेल्प्ड मी आई वुड गेट सक्सेस, आई वुड बिकम सक्सेसफुल. इज द क्लियर गाइस? तो ये है सेकंड कंडीशन एक्शन में. और आपको पता है इन इंग्लिश एवरीथिंग इज इन थ्रीज, एक्शन होना रखना, यानी एक्शन एग्जिस्टेंस दैट इज होना और रखना. याद रखो जब कभी भी हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे ना तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप देखें, यानी एग्जिस्टेंस मीन्स होना. आप ऐसा कहते हो ना, अगर मैं बादशाह होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, राइट, अगर वो वहाँ होता, ऐसी बात करते तो इसको कहते हैं अनफुलफिल्ड विश. ये भी है लेकिन ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है. तो अब जो इसके स्ट्रक्चर होंगे वो होंगे एफ प्लस, राइट, वॉज और व. और यहाँ पे तो वही स्ट्रक्चर है वुड वी वन, द सेम स्ट्रक्चर. जैसे अगर मैं बादशाह होता तुम्हें वजीर बना देता. इफ आई वेयर अ किंग I would make you prime minister. No, come on, आप ये सोचेंगे ना मैंने I के साथ where का क्यों इस्तेमाल किया. याद रखो कि जो ग्रामर हम फॉलो करते हैं अनफुलफिल्ड विश के साथ हमेशा where का यूज़ करते हैं, was का नहीं. लेकिन 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 zone of caution, नोट कर लो, इन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश जिस तरह से आप बोलते हो he, she, it के साथ was और you, they, we के साथ were, ठीक उसी तरह से आप बोल सकते हैं. लेकिन जब ग्रामर की बात होगी तो वह का इस्तेमाल होगा. तो हम यहाँ पे वह ही का इस्तेमाल करते, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते. क्लियर? लेकिन वो भी सही है स्पोकन इंग्लिश में. और अगर आप इसके रेफरेंस देखना चाहें तो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज देख सकते हैं माइकल स्वान की. एनीवेज, तो अगर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता उसे माफ़ कर देता. अगर मैं तुम्हारी जगह होता उसे माफ़ कर देता. इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम. If I were you, I would forgive him. मैं उसे माफ़ कर देता. अगर वह वहाँ होता मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता. If he was there, I would inform you. Is that clear, guys? अगर बारिश यानी होने की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जब कभी भी हम लोग एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो अब स्ट्रक्चर होगा was, were और would plus V1. अगर वह तुम्हारी जगह होता मुझसे माफ़ी मांगता. इफ़ ही वर यू ही वुड अपोलोजाइज टू मी. माफ़ी मांगने की जो इंग्लिश है वो है अपोलोजाइज. एंड वन मोर थिंग, अपोलोजाइज के बाद जो प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा. दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, अपोलोजाइज टू. अगर वह तुम्हारी जगह होता मुझसे माफ़ी मांगता. इफ़ ही वर यू ही वुड अपोलोजाइज to me. That is important. Forgive के बाद preposition नहीं लगता लेकिन apologize के बाद preposition लगता है. Okay, तो ये था second condition में action और उसके बाद existence यानी होने की बात. और आपको पता है तीसरा होता है रखना. और जब रखने की बात करेंगे तो उसका structure होगा if और had. और यहां पे तो would और v1 होगा. क्या नहीं, हैड, चूंकि आपको पता है रखने की बात जब भी होती है तो हैज हैव हैड. तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज हैव. और नो, वी आर टॉकिंग अबाउट पास, तो हैड. जैसे अगर मेरे पास समय होता मैं तुमसे मिलता. इफ आई हैड टाइम आई वुड मीट यू. इफ आई हैड टाइम आई वुड मीट यू. और अगर इसका निगेटिव होगा तो आपको पता है निगेटिव जब कभी भी होगा ना इसका, तो याद रखो कि निगेटिव में डिड नॉट, पास्ट है डिड नॉट. और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हैव. जैसे अगर उसके पास पैसा नहीं होता वो इसे नहीं खरीदता. इफ ही डिड नॉट हैव मनी ही वुड नॉट बाय इट. आप कहेंगे पास में हैव क्यों आया, इन एक्चुअलिटी डिड है ये पास शो कर रहा है. और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आता है, विच इज वाई हैड हैव में चेंज हो जाएगा. इज द क्लियर? कहते हैं अगर मेरे पास समय होता मैं वहाँ ज़रूर जाता. इफ़ आई हैड टाइम आई वुड सर्टेनली गो देयर. अगर उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं होता मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करता. इफ़ ही डिड नॉट हैव योर नंबर आई वुड नॉट कॉन्टैक्ट यू.
So dear guys, these are the things that you should keep in mind, right? कुछ एग्जाम्पल देखो, कहते हैं कि अगर तुम सवेरे बिस्तर पे जाते तो तुम इतनी थकावट महसूस नहीं करते. इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड नॉट फेल्ट सो टायर्ड, यू वुड नॉट फील सो टायर्ड, यू वुड नॉट फील सो टायर्ड, क्योंकि उठ के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यू वुड नॉट फील सो टायर्ड. इज द क्लियर? सो नाउ कम ऑन टू रिकैप. सेकंड कंडीशन में अगर एक्शन की बात होगी तो स्ट्रक्चर होगा V2, और दूसरे क्लाउज का स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस V1. और अगर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, यानी होने की बात करेंगे, जैसे V2, एक दो एग्जांपल और देख लो कि अगर तुम आते मैं तुम्हारे साथ जाता, इफ़ यू केम आई वुड गो विथ यू, और निगेटिव होगा तो डिनोट प्लस वन. जैसे अगर बारिश नहीं होती मैं तुमसे मिलता, इफ़ इट डिड नॉट रेन आई वुड मीट यू. और अगर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वॉज वेयर, और दूसरे क्लाउज में तो वुड प्लस V1. जैसे अगर वो वहाँ होता मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता, इफ़ ही वॉज देयर I would inform you. अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता हम लोग enjoy करते, if I were your friend we would enjoy. और अगर एक possession की बात करेंगे, यानी रखने की बात करेंगे, तो had और दूसरे clause में would be one. जैसे अगर मेरे पास extra पैसा होता मैं तुम्हें उधार दे देता, if I had extra money I would lend you. अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता मैं तुम्हें उधार नहीं देता, इफ़ आई डिड नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी आई वुड नॉट लेंड यू. सो डियर फ्रेंड्स, हियर वुड लाइक टू वाइंड अप द सेकंड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के बारे में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हैं, आप उसे ज़रूर देख लें. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम आउट विद थर्ड कंडीशन एंड ऑफकोर्स जीरो कंडीशन एज वेल. सो डियर फ्रेंड्स, stay with Oxfam and keep practicing. And if you want to join my online or offline class, do write to me. If you want to give any suggestion and advice, write down in the comment box and stay tuned. Best of luck. Thank you.